Good morning, students. So yesterday I was dealing on a topic that is major developments around the world. Today I'll be dealing on the topic modern period in India and outline of the time frame. So I'll be starting on this topic today. So students, I hope you are watching the video carefully and you are getting some knowledge from it. So I request और हम सब स्टूडेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वीडियो को अच्छी तरह से देखें और कुछ भी डाउट होता है then you are most welcome to us and I request again and again please listen carefully and if you have doubts you are most welcome to us. So हम लोग कल देख चुका है कि major developments around the world क्या क्या development हुआ है दुनिया में during the modern period तो बहुत सारा development हुआ है तो हम few recollect करेंगे हम points कल क्या क्या हम लोग देखा है तो हम लोग कल ये देखा है कि under this topic that major developments around the world under this topic हम लोग देख चुका है कि बहुत सारा development हुआ है और इनमें से सबसे बड़ा development है वो है industrial revolution हुआ है during modern period और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है हम लोग देख चुका है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मींस ट्रांसफर फ्रॉम एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी तो वो सबसे बड़ा चेंजेस है एग्रीकल्चर इकोनॉमी से ट्रांसफर होके हम लोग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पे आ गया है वो सबसे बड़ा चेंजेस है दुनिया में मॉडर्न पीरियड में जो यूरोप में स्टार्ट हुआ है देन और क्या क्या हम लोग देखा है कल कि जब ये रेवोल्यूशन हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बहुत सारा चेंजेस आया है हम लोगों का सोसाइटी में हम लोगों का पॉलिटिकल फील्ड में हम लोगों का टेक्नोलॉजिकल फील्ड में और हम लोगों का कल्चरल लाइफ में बहुत चेंजेस आया है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है दुनिया में तो वन वे और द अदर वे हम लोगों का लाइफ को पूरा इफेक्ट करने लगा है ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो बहुत सारा हम लोग देख चुका है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ है तो टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन शुरू हो गया है तो बहुत सारा चेंजेस आया है तो इसीलिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ गया था हम लोग कल देखा है कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया था और हम लोगों को मालूम है कि यूरोप कॉन्टिनेंट में पहले ऐसा जगह है जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है तो यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत कंपटीशन फेस करने लगे एक कंट्री दूसरे कंट्री से कंपटीशन फेस करने लगे इसीलिए वो लोग निकल पड़ा है अननोन प्लेस को डिस्कवर करने के लिए क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री बहुत इस्टेब्लिशमेंट हो गया था यूरोप में तो इंडस्ट्री को फिट करने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए तो इसीलिए वो लोग अनएक्सप्लोर्ड अननोन लैंड को डिस्कवर करने के लिए यूरोप लोग निकल पड़ा है तो बहुत सारा ऐसा देश है जैसे कि पोर्टुगल स्पेन नेदरलैंड्स ब्रिटेन फ्रांस एंड जर्मनी वो लोग इसीलिए अपना मीन्स अननोन लैंड्स में वो लोग डिस्कवर करने के लिए निकाल पा रहा है और वो क्या लेके आया है वो एक बहुत मींस वर्स इम्पैक्ट लाया है एशिया और अफ्रीका में जब वो लोग ऐसा एक्सप्लोर करने के लिए निकाल पा रहा था तो एशिया और अफ्रीका में बहुत सारा यूरोपियन पावर्स ने अपना कॉलोनीज बना लिया है और धीरे धीरे करके पूरा एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को वो लोग कैप्चर करने लगा है जो हम लोग उसको इम्पीरियलिज्म की नाम से भी जाना जाता है या कॉलोनाइजेशन मीन्स पूरा एक देश को अलग देश को वो लोग पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है और जितना भी वहाँ रॉ मटेरियल्स है रिसोर्सेस है उसको वो लोग एक्सट्रैक्ट करने लगे निकालने लगे और अपना देश में वो लोग ट्रांसपोर्ट करने लगे और वो लोगों को क्यों वो लोग ये एक्सप्लोर किया है एशिया अफ्रीका कंट्रीज को क्यों कैप्चर किया है क्योंकि उन लोगों को अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट चाहिए था इसलिए भी वो लोग ये कॉलोनीज बनाया है एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में अपना
कॉलोनीज इस्टैब्लिश किया है। तो हम लोग यही देखा है कल। तो ये सारा थिंग्स क्या लेके आया है कि ये सारा थिंग्स कॉलोनाइजेशन लेके आया है। तो हम लोग ये देखा था कल। तो आज हम जो टॉपिक में हम डील करने वाला है दैट इज मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। तो वो दुनिया में क्या क्या डेवलपमेंट है उसका बारे में हम कल एक्सप्लेन किया था। तो हम लोग आज देखेंगे कि इंडिया में क्या क्या डेवलप हुआ है मॉडर्न पीरियड में, एन आउटलाइन ऑफ द टाइम फ्रेम, और ये हम लोगों को गिवन एंड गिवन ऑफ द टाइम फ्रेम मीन्स इंडिया का ट्रू पिक्चर जो उसी समय में था उसका ट्रू पिक्चर दिखाते हैं। तो हम लोग देखेंगे इंडिया में कि मॉडर्न पीरियड कैसा था इंडिया में। इन इंडिया द 18th सेंचुरी saw द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो हम लोगों को मालूम है कि मुगल एम्पायर जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स था इंडिया में, जो मुस्लिम किंगडम था, वो उसका जो रूल था इंडिया में वो डिक्लाइन होने लगे धीरे धीरे। और 18th सेंचुरी में तो मुगल पूरी तरह से मुगल रूल इंडिया में गिर गया था, डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने डिफीट कर दिया था मुगल रूलर्स लोगों को, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने हम लोगों को पूरी तरह से इंडिया को कैप्चर कर लिया था 18th सेंचुरी में। एंड द इमर्जेंस ऑफ वेरियस रीजनल किंगडम्स, और जब मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया था, गिर गया था, तो वहाँ बहुत सारा इंडिया ने नया छोटा छोटा किंगडम इमर्ज हुआ है। रीजनल मीन्स जगह जगह अलग अलग जगहों में अलग अलग स्टेटों में अलग छोटा छोटा किंगडम इमर्ज हुआ है, निकल के आया है जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था इंडिया में। द ब्रिटिश ग्रेजुअली गेन ए फुट होल्ड इन आवर कंट्री। तो ब्रिटिश लोग मीन्स आराम से वो लोग फुट होल्ड मीन्स अपना पैर जमा सके इंडिया में, आराम से ब्रिटिश लोग अपना पैर जमा सके इंडिया में। दे हैड कम इन इंडिया इन द 17th सेंचुरी, और ब्रिटिश लोग आराम से इंडिया में अपना पैर जमा सके, दैट मीन्स धीरे धीरे से वो लोग इंडिया में मीन्स अपना रूल बढ़ा रहा था जब मुगल एम्पायर गिर गया था। तो दे हैड कम टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी हैज ट्रेडर्स, और ब्रिटिश लोग इंडिया में आया था हैज ए ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मीन्स वो लोग इंडिया में बिजनेस करने के लिए आया था 17th सेंचुरी में। एंड हैड सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट एंड फैक्ट्रीज, और वो लोग 17th सेंचुरी में ब्रिटिश लोग आया था मीन्स बिजनेस करने के लिए इंडियन मर्चेंट के साथ, और धीरे धीरे वो लोग ट्रेडिंग पोस्ट अपना ट्रेडिंग सेंटर्स मीन्स सेटअप करने लगे इंडिया में। जैसे कि एग्जाम्पल कालिका जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया में, जहाँ पर बिजनेस होता था, ट्रेडिंग होता था विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो लोग धीरे धीरे ब्रिटिश लोग ने इंडिया में फैक्ट्री सेटअप कर दिया है मीन्स करने लगे, जैसे कि कोलकाता में, मुंबई में, सूरत, गुजरात में वो लोग अपना फैक्ट्री सेटअप करने लगे। विद देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासे इन 1757, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया। तो ब्रिटिश का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि बैटल ऑफ प्लासे बोल के जो युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश के बीच और नवाब ऑफ बंगाल। तो उसका नवाब का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आई विल टेल यू द नेम ऑफ द नवाब। तो ये बैटल ऑफ प्लासे जंग मीन्स लड़ा है ब्रिटिश के बीच और बंगाल का नवाब सिराज उद दौला, वो उन दोनों के ब्रिटिश और ये सिराज उद दौला के बीच जंग मीन्स जंग लड़ा गया था, उस जंग को बैटल ऑफ प्लासे बोलता है। तो 1757 में यह बैटल हुआ है जिसमें सिराज उद दौला को ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया था, और धीरे धीरे ये डिफीट जब
सिराज को दौला को डिफीट कर दिया था, तो धीरे धीरे ये ब्रिटिश लोग अपना जो अपना पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करने लगे इंडिया पर। तो अपना पहले तो वो लोग सिर्फ बिजनेस करता था, लेकिन ये बैटल में जब नवाब को डिफीट कर दिया था बैटल ऑफ प्लासे में, तो ये बैटल के बाद वो लोग अभी सिर्फ बिजनेस लाइफ में नहीं, इंडिया में धीरे धीरे पॉलिटिकल लाइफ में भी मींस वो लोग कंट्रोल करने लगे ब्रिटिश लोग। यही से हम लोग ये भी अलग भाषा में ये भी हम लोग बोल सकता है कि यही से ब्रिटिश का हुकूमत इंडिया में शुरू होने लगे धीरे धीरे से, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेट है जो ब्रिटिश का अंदर में आया है बंगाल। तो इसी से एक ब्रिटिश का एक कंपनी है, छोटा सा कंपनी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पॉलिटिकल लाइफ में भी दखल अंदाजी करने लगे इंडिया में, तो इंडिया को धीरे धीरे पॉलिटिकली भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। They gradually evolved from a trading company to a political power. तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पहले तो सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस का नाम से जाना जाता था, या सिर्फ बिजनेस करता था इंडियंस लोगों के साथ ये ईस्ट इंडिया कंपनी। तो धीरे धीरे जब नवाब को डिफीट कर दिया था इस बैटल में, तो वो लोग पूरा पॉलिटिकल पावर भी इंडिया में धीरे धीरे वो लोग कैप्चर करने लगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया बिकेम ए ब्रिटिश कॉलोनी, तो इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी बन चुका था, जो फर्स्ट स्टेट है ब्रिटिश का कॉलोनी जो बन गया था वो है बंगाल। शी बिकेम ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ए मार्केट फॉर ब्रिटिश फिनिश प्रोडक्ट। तो धीरे धीरे वही से इंडिया को कैप्चर करना शुरू कर दिया है अंग्रेज लोगों ने। तो धीरे धीरे इंडिया क्या बन गया है, इंडिया बिकेम ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो धीरे धीरे इंडिया ब्रिटिश का अंदर में हो गया है, और इंडिया धीरे धीरे अभी जब ब्रिटिश का अंदर में हो गया है, तो इंडिया का जितना भी रॉ मटेरियल्स है उसको अंग्रेज लोग इंग्लैंड में लेके जाता था। तो इंडिया एक सप्लायर हो गया अंग्रेज लोगों के लिए रॉ मटेरियल्स, और जितना भी रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेके जाता था और इंग्लैंड में जाके फैक्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट करता था, और जितना भी गुड्स है उसको वापस लाके इंडिया में वो लोग अंग्रेज लोग बहुत अच्छा दाम से बेचता था अपना गुड्स को। लोकल इंडियन इंडस्ट्री डिक्लाइन, तो इसके वजह से इंडिया में जितना भी छोटा मोटा इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है जब अंग्रेज लोगों ने इंडिया पर कैप्चर किया है। इंडिया वॉज रिफर टू हैज द ज्यूवेल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है ब्रिटिश क्राउन का, मीन्स क्योंकि ब्रिटिश को क्यों क्राउन माना जाता है, क्योंकि वहाँ इंग्लैंड में प्रेसिडेंट नहीं होता है, वहाँ क्वीन होता है इंग्लैंड में, तो उसको क्राउन बोला जाता है। तो इंडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका था ब्रिटिश क्राउन का, और इंडिया सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका था ब्रिटिश एम्पायर का जब अंग्रेज लोगों ने पूरी तरह से इंडिया को कैप्चर किया था। द ब्रिटिश यूनिफाइड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश लोगों ने जब इंडिया में जब पॉलिटिकल पावर रूल करना शुरू कर दिया है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया को वो लोग मीन्स लेके आया है और यूनाइटेडली जोर दिया है, क्योंकि छोटा छोटा किंगडम था वो लोग सेपरेट रूल कर रहा था इंडिया में, लेकिन अंग्रेज लोगों ने बाय फोर्स उन लोगों को मीन्स यूनाइटेड यूनिफाइड किया है, मीन्स जोर दिया है इंडिया के साथ।
इंडिया में पहले बहुत छोटा छोटा किंगडम था, इंडिया क्या था हम लोगों को भी मालूम नहीं था। मीन्स जब अंग्रेज लोगों ने इंडिया को कंट्रोल करने लगा है, छोटा छोटा किंगडम को डिस्ट्रॉय करके वो लोग वन एकता बनाया है। दे ब्रॉट द प्रिंसली स्टेट्स अंडर देयर कंट्रोल विच हैड इनिशियली रिजेक्टेड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी। और जितना भी प्रिंसली स्टेट्स था इंडिया में, ब्रिटिश लोग उसको उसका अंदर में लाया है, उसका कंट्रोल में लाया है। और ये प्रिंसली स्टेट हमेशा रिजेक्ट करता था ब्रिटिश का रूल को। वो लोग खुश नहीं था, ये प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया ब्रिटिश का रूल को वो लोग पसंद नहीं करता था। ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया क्या है? ब्रिटिश इंडिया रिफर्स टू द टेरिटरी कंट्रोल बाय द ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया उसको बोला जाता है जो टेरिटरी या जो जगह है, रीजन है, वो ब्रिटिश का कंट्रोल में आता है, उसको ब्रिटिश इंडिया बोला जाता है। इट वॉज डिवाइडेड इंटू बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। तो ब्रिटिश का इंडिया में तीन प्रेसिडेंसीज था, और वो प्रेसिडेंसीज का नाम है बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। India's resources were exploited by Britain for her own advantage. और इंडिया का जितना भी resources है उसको पूरी तरह से exploit किया है अंग्रेज लोगों ने। और वो उसको इंडिया का resources को क्यों exploit किया है या extract किया है अंग्रेज लोगों ने, कि अपना own profit के लिए, अपना मुनाफा के लिए वो लोग मीन्स इंडिया का रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट किया है। देयर पॉलिसीज डिड नॉट हैव ए यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन द इंडियन पीपल। और जितना भी पॉलिसीज या चेंजेस या स्कीम लाया है इंडिया में अंग्रेज लोगों ने, वो पूरा इंडिया को अच्छी तरह से सुविधा या अच्छी तरह से स्कीम्स का सब लोगों को अच्छी तरह से बेनिफिट नहीं मिला है। जितना भी स्कीम्स लाया है अंग्रेज लोगों ने, उसका स्कीम्स का बेनिफिट सब लोगों को अच्छी तरह से नहीं मिला है, पूरा इंडिया का लोगों को। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मॉडर्नाइजेशन ओनली इन सर्टन स्पीयर्स। और इंग्लैंड ने जब इंडिया को कैप्चर किया है तो वो लोग ने मीन्स बहुत सारा चेंजेस लाया है, लेकिन वो लोग चेंजेस लाया है और मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस किया है, सिर्फ कुछ ही जगह पर वो लोग मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस किया है। जैसा कि एग्जांपल, इंडियन लोगों को वो लोग शिक्षा देता था, लेकिन इतना मीन्स अच्छा वाला क्वालिटी वाला शिक्षा नहीं दिया जाता था इंडियंस लोगों को। इंडियंस लोगों को कम शिक्षा दिया जाता था कि उन लोगों का भाषा को समझ सके, इसका ही शिक्षा दिया जाता था। क्योंकि अगर इंडियंस लोगों को बहुत मीन्स अच्छा शिक्षा देना से, क्योंकि इंडियंस लोग उन लोगों का खिलाफ विरोध करेगा, इसीलिए वो लोग ऐसा नहीं का मीन्स अच्छा वाला शिक्षा नहीं दिया जाता था इंडियंस लोगों को, सिर्फ कुछ ही। And only till the extent that suited their needs and interests. और वो लोग मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस करता था कि उन लोगों को कितना नीड्स, वो लोग सोच के दिया जाता था कि इंट्रोड्यूस करता था मॉडर्नाइजेशन, कि इंडियन लोगों को कितना तक मॉडर्नाइजेशन देना चाहिए, कि कितना कितना तक इंडियंस लोगों को मॉडर्नाइजेशन देने से हम लोगों को बेनिफिट होगा, इतना तक ही दिया जाता था। और उन लोगों का इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इंडियन लोगों को मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस करता था। दिस बेनिफिटेड नॉट ओनली ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपल एंड द रेस्ट रिमेन लार्जली डिसएडवांटेज। तो इंडिया में मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस किया है ब्रिटिश लोगों ने, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ पीपल की ओनली फ्यू पीपल इंडियंस लोगों को ये मॉडर्नाइजेशन का बेनिफिट मिला है। मीन्स कुछ ही कम्युनिटी जो इंडिया में, उन लोगों को बेनिफिट मिला है ये मॉडर्नाइजेशन का, जो अंग्रेज लोगों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, कि सिर्फ ओनली फ्यू सेक्शन ऑफ पीपल इसका बेनिफिट मिला है, और बहुत सारा इंडियंस लोगों को ये मॉडर्नाइजेशन का एडवांटेज या एडवांटेज नहीं मिल सका है। तो
आई एम गोइंग टू शो यू नाउ द टाइमलाइन ऑफ द मॉडर्न पीरियड। तो इंडिया का टाइमलाइन जो मॉडर्न पीरियड थे तो यहाँ दिया हुआ है कि अंग्रेज लोगों ने कैसा इंडिया को धीरे धीरे से कैप्चर किया है। तो कौन सा बैटल फाइट किया है बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडिया। तो हम लोग अभी हम दिखाएंगे, गौर से देखो ये टाइमलाइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देन फ्रॉस 1757 बैटल ऑफ प्लासे, मैंने बोला है जो बैटल ऑफ प्लासे जिससे अंग्रेज का फ्रॉस हुकूमत शुरू हुआ है इंडिया से, जिसमें अंग्रेज लोगों ने सिराज उद दौला को डिफीट कर दिया था इस बैटल में। देन द सेकेंड इज इन द ईयर 1764 बैटल ऑफ बॉक्सर। तो थर्ड 1797-1799 एंग्लो मैसूर वॉर। 1773 वारेन हेस्टिंग अपॉइंटेड एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1775-1818 एंग्लो मराठा वॉर्स। तो 1845-1849 एंग्लो सिख वॉर्स। तो 1855 संथाल रिबेलियन। 1857 द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1858 इंडिया केम अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो ये जो ईयर्स हम बता रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। सो आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लो, ये आप लोगों का फ्यूचर स्टडी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 9-10 में इसका बहुत स्टडी करने वाला है, इसीलिए ये जो ईयर है, जो ये इवेंट्स हैपन हुआ है, इसको अच्छी तरह से मीन्स नोट कर लो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टुमारो विल डील अनदर टॉपिक। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। थैंक यू वेरी मच।